देख रहे हो क्या क्या किया जा रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। डॉक्टर ज्ञान थेरेपी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। क्या हाल है आपके, आप बताओ। मेरे हाल तो आज कोल्ड हो, मतलब कोल्ड हो रखा है, थोड़ा फीवर हो रखा है, सो एनर्जी डाउन लगेगी। लेकिन वीडियो बड़ी काम की होने वाली है आपके लिए। रीजन ये है कि मैंने आईकल का वीडियो दिया था, याद होगा आपको, और वहां पर घपला काफी बड़ा मिला था कि भाई 5000 mAh बैटरी बोलते हैं, अंदर 2500 mAh निकलती है, एंड्रॉयड 7 पता नहीं 8 होता है आज की डेट में। लेकिन वो वीडियो काफी आगे गई, आईकल वालों ने मतलब अपनी वेबसाइट पर टर्म्स एंड कंडीशंस में सुधार किए। आई होप प्रोडक्ट में भी सुधार करें, क्योंकि थोड़े दिन बाद ऑपरेशन फिर किया जा सकता है। ये आईकल वालों के लिए एक प्यारा सा मैसेज था मेरी तरफ से। और उसी वीडियो पे मैं कमेंट चेक कर रहा था, तो यहाँ पर ना एक और ब्रांड है हमारे पास, ये है आईटेल। ज्यादा फेमस है ऑफलाइन की दुनिया में, जिसको बजट में फोन लेना है। वहां पर ऐसे लोग इस फोन को ज्यादा बाय करते हैं जो कि नॉन टेकी है, बाय कर लेते हैं ऑफलाइन में जाके, तो जाहिर सी बात है वो लाखों रुपए तो नहीं कमाते। सो ऐसे लोगों का पैसा वेस्ट हो तो ज्यादा बुरा लगता है। तो मेरे मन में आया कि इनको भी चेक किया जाए कि क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले मुझे ये वाला दिखा, आईटेल A23 Pro। इसकी खासियत भाई, ये 3700, ये देख लो 37 3750, इतने का ये फोन मिला। और इस फोन की जो खासियत थी भाई, इसके अंदर एंड्रॉयड 10 गो एडिशन है, बहुत अच्छी बात है इस रेट पे। इवन डुअल 4G मिला इसके ऊपर मुझे साथ में। हाँ, एक कंडीशन दिखी, इन्होंने कहा भाई पहला सिम जियो का लगाओ, जरूरी है तभी फोन चलेगा, दूसरा सिम कोई भी लगाओ। तो मैंने पहला फोन ये सिलेक्ट किया। सो मैंने कहा लेटेस्ट सा फोन दिखाओ कोई, सो ये वाला फोन दिखाया मुझे उन्होंने, जिसका नाम है आईटेल विजन 2S और एंड्रॉयड 11 गो एडिशन है भाई इसके अंदर। तो ये सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा कमाल की लगी। डुअल 4G है, आईटेल विजन 2S मुझे मिला 6800, 200 रुपए कम 7000, और ये सिंपल वाला जो ये है ना कीपैड वाला फोन, ये मुझे मिला ऑलमोस्ट 1500 रुपए का। वैसे तो मैंने 4 फोन लिए थे, फिर मैंने एक कैंसिल कर दिया भाई, 3 बहुत है टेस्ट करने के लिए, बहुत पैसा खर्च हुआ है मेरा, तो प्लीज सब्सक्राइब, सिंपथी टाइम है ये। सो ये वीडियो आपके अवेयरनेस के लिए है, ताकि जैसे आईकल आपके आसपास कोई खरीदे तो उसको आप समझा सकते हो, एंड ऑफलाइन वालों का भी भाई अवेयर करना हमारा काम है यूट्यूब पर का, नहीं तो फोन तो बहुत सारे पड़े अनबॉक्स करने के लिए। ये वीडियो लेकिन मुझे जरूरी लगी। सबसे पहले कौन सा खोला, ये वाला सबसे सस्ता है यार, 3700 में कोई कैसे दे सकता है। बस यही। अब है तो ये चूरन वाली पन्नी, लेकिन मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि भाई इस रेट में कहां कोई फोन देता है। तो माइक्रो एसबी केबल ऐसे आते थे ना बहुत पहले, आपने देखा होगा आज से 5-6 साल पहले कुछ ऐसे चार्जर आते थे। बाहर लिखा हुआ है डब्बे पे 2400 mAh बैटरी। टाइम है इसको खोलने का। जाहिर सी बात है सब मेड इन चाइना होते हैं, लेकिन हाँ इसके अंदर भी लिखा हुआ है 2350 mAh। हाँ थोड़ा कम होता ही है। सो बैटरी में भाई कोई घपला नहीं लगा मुझे। 4G वोल्टी, डुअल 4G मेंशन है ना यहाँ पे, फेस अनलॉक वगैरह मेंशन है, 5-inch डिस्प्ले। और ये सारे ना आउटडेटेड फ़ोन है, मतलब जो पहले आते थे ना, इसीलिए इस रेट में बैलेंस कर पाया। लेकिन ठीक है, ये चीज़ अच्छा लगा भाई, बैटरी का धोखा नहीं किया गया। ओह सही है, मेंशन भी कर रहा भाई पहले जियो सिम लगाओ, तो जियो का सिम हम लगा के देख लेते हैं। SIM 1 जियो, 3700 का फ़ोन है। और ध्यान से देखोगे अगर आप ना इनके UI में, क्योंकि जियो के साथ पार्टनरशिप है ना, इस चक्कर में यहाँ पर माई जियो, ये जियो की कुछ एप्लीकेशंस मिलती हैं। 5-inch की 480p डिस्प्ले है, बैटरी आपके सामने है, बेसिक सा कैमरा है, 2 MP पीछे, 0.3 MP VGA कैमरा बोल सकते हैं फ्रंट में। क्वाड कोर प्रोसेसर है बेसिक, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज। अब जाहिर सी बात है 3700 में और क्या ही मिलना है, रेट मैटर कर जाता है सबसे ज़्यादा। अब ये दूसरा वाला जो फ़ोन है ना, ये 7000 का फ़ोन है, 200 रुपये मुझे कम मिला, लेकिन आप नॉर्मल मार्केट से लोगे तो डेफिनेटली 7000 से नीचे मिलना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा होलसेल टाइप शॉप पे गए थे ना, तो जाहिर सी बात है भाई आपको बाहर इतने का नहीं मिलेगा। इसके अंदर 2GB रैम है, 32GB इंटरनल है, और साथ में 5000 mAh बैटरी है, और 6.52-inch की एक HD+ डिस्प्ले है। प्रोसेसर कौन सा है इसके अंदर, आईटेल इंडिया की वेबसाइट पर अगर देखें, हाँ ये रही वेबसाइट स्मार्टफोन, और ये रहा फोन विजन 2S SC9863A। ये तो यूनिसोक का प्रोसेसर है जहाँ तक मैं जानता हूँ, 28 nm बेस्ड है। तो प्रोसेसर काफ़ी पुराना है, एकदम नॉर्मल काम के लिए, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल काम के लिए। और अब मुझे चेक करना है कि इसके अंदर बैक कवर दे रखा भाई, चार्जर वही है इनका ओल्ड डिज़ाइन वाला, माइक्रो USB 10 वोल्ट का, 5V 1A, 5 वोल्ट का चार्जर है, 10 वोल्ट का नहीं, 5 वोल्ट का। ये वाला वही फ़ोन है भाई, गिर जाए 100 दिन के अंदर, स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी देता है ब्रांड। डिज़ाइन तो यार काफ़ी सही है ना, वो फ़ोन भी बैक पैनल खुलता है, वही मैं सोचा था आवाज़ें क्यों आ रही है। फ़ोन भी काफ़ी सॉलिड है, मतलब 7000 रुपये के हिसाब से गुड जॉब। तो इसकी सिर्फ मैं बैटरी देखना चाहूँगा, क्योंकि 5000 mAh बैटरी मेंशन है, बाकी सिंपल बेसिक सा कैमरा 8 MP दिखाने के लिए दो लगा देते हैं। यहाँ गलती ब्रांड की नहीं है, एंड्रॉयड में ना चाहे महंगे फ़ोन लो, किसी ब्रांड के लो,
मतलब नंबर ऑफ कैमरा से बहुत फर्क पड़ता है, मैंने ऑफलाइन में ये बात पूछा भी था। लोग देखते हैं चार कैमरा वगैरह, कैमरा कस्टमर जो है तीन कैमरा चार कैमरा जरूर देखता है, जरूर देखता है। अगर वो दो कैमरा भी 15,000 के फोन में आ जाएगा ना तो कस्टमर लेगा नहीं, उसको चार कैमरा या तीन ही कैमरे की जरूरत रहती है। मेरे पास ये पिक्सल 4a है, आपको भी पता है मेरा फेवरेट है। आपको लगता है ये एक्चुअली एक 30,000 का फोन है जिसके अंदर ये एक कैमरा है और ये इस साइज का फोन है, मतलब छोटा फोन है जी जी। आपको लगता है अगर ये ऑफलाइन में आप बेचोगे कोई लेगा? नहीं लेगा सर, है नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। बेचती आप लोग अक्सर पूछते हो ना, यही सबसे बड़ा रीजन है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ब्रांड लगाए, ये वाला स्क्रू अगर हमने खोला ना तो इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। 5000 mAh 4900, ठीक है इसको चेक करते हैं अंदर। ये जो सारे फोन है ना, क्लियर चांस होते हैं कि ज़्यादातर फ़ोन ये सारे चाइना से मंगाए जाते हैं, ऊपर बाहर मेड इन इंडिया सब लगाते हैं, बड़ी बड़ी सब कंपनियां आप जानते ही हो। प्रॉपर कनेक्ट कर रखा भाई, ये सही लगा मुझे, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर है। लेकिन खुल गई फाइनली, तो इसकी जो बैटरी एमएएच है ना ये बाहर ही लिखा। अगर जितने फ़ोन मैंने दो तीन फ़ोन को बैटरी को ऐसे करके देखा है तो अगर बाहर कई बार नकली रैपर लगा देते हैं, अंदर सही में लिखा रहता है एज़ पर माई रिसर्च छोटा मोटा। और ये बैटरी पता कैसे, अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये कपड़े की तरह ऐसे 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 खुलता चला जाएगा। तो ये है लिथियम पॉलीमर बैटरी, अगर मैं इसमें कुछ भी मतलब ऐसे होल्ड कर दूँ तो इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। और डेफिनेटली मैं इसकी नई बैटरी खरीद के ये फ़ोन मैं किसी न किसी को मतलब किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगा। और ये तीसरा फ़ोन एक और है हमारे पास, तो मुझे नहीं लगता इसको खोलने की ज़रूरत है पूरे फ़ोन को, और ये फ़ोन दिखा देता हूँ आपको कैसा है। मेरे हाथ मत देखना भाई, ये ग्लव्स में से लगा है, ठीक है रुलनाता हूँ मैं। स्पीकर देख रहे हो, बैटरी भी 3000 mAh की है, तो मैंने बैटरी ना बाहर निकाल दिया है, देख रहे हो पूरा फ़ोन आप चला सकते हो बिना बैटरी के डायरेक्ट पावर के साथ। पहले कई सारे कीपैड वाले फ़ोन हमने टेस्ट किए लेकिन ऐसे तो नहीं होता था। हर्षित तुमने देखा कोई ऐसा फ़ोन? अनसपोर्टेड मेमोरी कार्ड, तो ये 128GB सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जैसे बहुत से लोग होते हैं ना भाई अपना काम धाम करते हैं, कुछ उस टाइम म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं बहुत से लोग, सही है यार। और बैटरी वगैरह खोला मैंने, थोड़ा बिल्ड वगैरह चेक किया, ये सारी कहानी मिला के ना मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कंपनी बेवकूफ बना रही भाई। क्वालिटी हो चाहे प्राइस, क्योंकि प्राइस के हिसाब से जज किया जाता है, जैसे कुछ फिशी सा नहीं दिखा कि कुछ गड़बड़ सा देखने को मिला हो, तो 3800 में आप क्या ही शिकायत करोगे। और रही बात इस वाले फोन की, मतलब अब ये फोन नहीं रहा, इसको फोन बनाऊंगा दोबारा मैं कंबाइन करके, तो मैं कहूंगा कि भाई अगर कोई ले लेता, ऐसा नहीं कि इन्होंने जो मेंशन किया उसमें बेवकूफ नहीं बनाया, बहुत ही नॉर्मल से काम करने के लिए है। नहीं तो आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके 1000-1500 इन्वेस्ट करोगे, माइक्रोमैक्स 2B है या फिर रियलमी पोको, ऐसे ऐसे ब्रांड है जो अलग अलग बेटर ऑप्शंस लेकर आते हैं जहां पे आपका एक्सपीरियंस बेहतर होता चला जाता है, वो सब तो जैसे वो हो जाता है ना। लेकिन जैसे बेवकूफ बनाने वाला या फिर फिशी टाइप ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एंड आइटल से अगर कोई ये वीडियो देख रहा, आप और बेहतर कर सकते हो पता है आपको, ट्राई करके देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।